आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। प्याज की खेती करने वाले महाराष्ट्र के किसान पिछले कुछ महीने से खासे परेशान हैं, क्योंकि उन्हें कहीं 50 पैसे, कहीं 75 पैसे, कहीं 1 रुपए तो कहीं 5 रुपए प्रति किलो के रेट पर प्याज बेचना पड़ रहा है। अधिकतम दाम 15 रुपए किलो तक है, जो कि उत्पादन लागत से कम है। व्यापारी तर्क दे रहे हैं कि इस साल रिकॉर्ड पैदावार हुई है, इसलिए मंडी में प्याज की आवक ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को इतना कम दाम मिल रहा है। व्यापारी तर्क दे रहे हैं कि इस साल रिकॉर्ड पैदावार हुई है, इसलिए मंडियों में प्याज की आवक ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को इतना कम दाम मिल रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि ज्यादा आवक और पैदावार का तर्क बेतुका है, ये ज्यादा लाभ कमाने के लिए व्यापारियों का खेल है। किसानों के आरोप रविवार को सही साबित होते भी दिखाई दिए, जबकि कई मंडियों में बहुत कम आवक के बावजूद प्याज के दामों में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हुई। महाराष्ट्र के भुसावल में रविवार को सिर्फ 41 क्विंटल प्याज की आवक हुई, इसके बावजूद किसानों को प्याज का अधिकतम दाम 10 रुपए किलो ही मिला। पुणे के पिंपरी मंडी में सिर्फ 15 क्विंटल प्याज की आवक हुई, इसके बावजूद यहां किसानों को न्यूनतम भाव 10 रुपए, औसत दाम 11.5 और अधिकतम दाम 13 रुपए किलो ही मिला। प्याज के आवक की यह जानकारी किसी किसान ने नहीं दी है, बल्कि महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड से मिली है। पुणे की खड़की वेजिटेबल मंडी में 19 जून को महज 34 क्विंटल प्याज की आवक हुई थी, इसके बावजूद न्यूनतम दाम 7 रुपए किलो से ज्यादा नहीं मिला, औसत दाम 10 रुपए और अधिकतम दाम 13 रुपए किलो रहा। वहीं अहमदनगर की अकोले मंडी में रविवार को कुल 2201 क्विंटल प्याज की आवक हुई, यह न्यूनतम दाम 1.25 रुपए किलो हो गया। वहीं अहमदनगर की पारनेर मंडी में 2346 क्विंटल प्याज की आवक हुई और यहां पर न्यूनतम दाम 2 रुपए किलो जबकि औसत दाम 11.25 रुपए प्रति किलो रहा। अहमदनगर की राहता मंडी में भी किसानों को प्याज का दाम सिर्फ 2 रुपए किलो ही मिला और यहां पर औसत दाम 11.5 रुपए किलो तक रहा। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि महाराष्ट्र में कम से कम 15 लाख किसान प्याज की खेती से जुड़े हुए हैं, उनकी आजीविका इसी की खेती पर निर्भर है। जब किसानों को अच्छा दाम मिलना शुरू होता है तो सरकार या तो प्याज इंपोर्ट करवा लेती है या फिर कोई कोशिश करके उसका दाम नीचे ले जाती है। लेकिन जब किसानों को 1 रुपए किलो या कुछ पैसे किलो पर प्याज बेचना पड़ रहा है तो किसानों की मदद के लिए ना तो कोई अधिकारी सामने आ रहा है ना तो कोई नेता। अच्छा होता कि सरकार कम से कम लागत मूल्य पर कुछ मुनाफा देकर किसानों से प्याज खरीद लेती। इस समय 16 से 18 रुपए किलो तक की लागत आ रही है। भारत दिगोले का कहना है कि प्याज की ट्रेडिंग करने वाली लॉबी बहुत मजबूत है, इसमें बड़े नेताओं का कारोबार ज्यादा होता है। ये ट्रेडर्स इस समय सस्ता प्याज लेकर स्टोर कर रहे हैं, 2 महीने बाद यही लोग काफी महंगा प्याज बेचेंगे। इससे ना तो किसान का फायदा होगा ना तो उपभोक्ताओं का। इसलिए सरकार से अपील करते हैं कि वो मुनाफाखोर व्यापारियों और प्याज के बिजनेस का खेल खेलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। जिस दिन सरकार बिचौलियों और मुनाफाखोरों पर शिकंजा कस देगी, उसी दिन किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।